जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने हेतु केशवपुरम विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशवपुरम विभाग द्वारा बुधवार को श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर विद्यालय पंजाबी बाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला में स्कूली बच्चों को मुख्य रूप से स्वरोजगार की राह पर चलते हुए उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यशाला के दौरान स्कूली छात्र छात्राएं काफी उत्साहित दिखे और भविष्य में उन्होंने रोजगार मांगने वाले के इतर रोजगार देने वाला बनने का संकल्प व्यक्त किया। इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख अनिल शर्मा सीए, उत्तर पूर्व भारत के सह संपर्क प्रमुख और राष्ट्रीय परिषद सदस्य अरुण मुखर्जी, केशव सहकारी बैंक के चेयरमैन विनित भाटिया, केशवपुरम विभाग स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक मंजीत सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंच संचालन शिवा टंक ने किया। इस अवसर पर अरुण मुखर्जी ने कहा कि स्वावलंबी भारत अभियान के तहत स्वदेशी जागरण मंच युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें कौशल विकास, स्वावलंबन विषय पर स्कूलों में युवाओं के मध्य स्वतः जागृत करने की दिशा में काम कर रहा है। इस क्रम में कार्यशाला आयोजित कर देश के भविष्य बच्चों को स्वावलंबी बनने के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के पश्चात प्रत्येक भारतीय को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से पूरे भारतवर्ष में स्वावलंबी भारत अभियान की मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य है कि आज का युवा स्वयं अपना रोजगार बिना किसी बाधा से शुरू कर सके और भारत सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। यूक्रेन और रूस के युद्ध और कोरोना काल के बाद यह पहली आवश्यकता हो गई है कि हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं भी मौजूद हूँ पंजाबी बाग के एक स्कूल में, जहाँ पे स्वावलंबी भारत को लेकर चर्चा की जा रही है। सर, क्या संदेश दिया बच्चों को? बच्चों को हमने आज संदेश दिया कि क्यों उनको नौकरी नहीं ढूंढनी है और अपना कुछ अपने व्यवसाय क्या कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार के लिए क्या वो कर सकते हैं, उस पर क्या प्रयत्न करें, इस बारे में आज हमने उनसे चर्चा की। उनसे उनको खुद सुझाव उनसे मांगे कि उनके किस तरह से इस काम को वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बता रहे हैं बच्चे इस बारे में? बच्चों के सब अच्छे, उनके बहुत से प्रश्न उनके दिमाग में हैं कि किस तरह से हम कौशल कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं जो हमें करना है, उसके लिए हमें वित्त कहाँ से आएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न जेन्युइनली एक उद्यमी के दिमाग में होते हैं, वो सब बच्चों ने उस तरह के प्रश्न हमसे किए और हमने उनकी कोशिश की उनके जवाब देने की। बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं है और जो आत्मविश्वास ही है वो सफलता की ओर लेके जाता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपने माता पिता पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो ऐसा आत्मविश्वास जो बच्चों में आ जाता है वो कुछ ना कुछ नए आइडिया लेके आते हैं और अपने पैरों पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और उसके अंदर माता पिता की तरफ से, परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से जो बैकअप है बच्चों को, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक वरदान है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और करने के लिए हमारे को रास्ते भी खुलते हैं और मार्गदर्शन भी मिलता है इसके अंदर। कितना उत्साह है यहाँ के बच्चों में? बच्चों में बहुत उत्साह है, आप देख सकते हैं बच्चे जो है बड़ी संख्या में अपने एग्जाम के बाद यहाँ आए, समय निकाला और कल परसों फिर एग्जाम है, उसकी चिंता नहीं करते हुए कि हमें एक नई दिशा मिल रही है, एक राह मिल रही है, हमें उसे सुनना है, हमें उसे देखना है और समझना है। इसके एग्जाम की परवाह न करते हुए भी बच्चे यहाँ पे आए और उन्होंने पुनः अच्छी तरह से भागीदारी करी इसके अंदर। जो हमारे बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल इस विद्यालय के, पूरे भारत के बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो आजकल का बच्चा, आजकल का जो ये यूथ है वो इतना इंटेलिजेंट है और इतना उनके पास एक्सपोजर है, इतने आइडियाज़ हैं, दे नो कि उनको क्या करना है आगे। और मुझे लगता है कि जो आज उनको स्पार्क मिला है कि दे हैव टू बी जॉब प्रोवाइडर्स नॉट जॉब सीकर्स, जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि 135 करोड़ के इस देश में, इस जनसंख्या में अगर खाली 7 करोड़ जॉब्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट जॉब्स, तो यही ये बच्चे हैं जो कि अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, बाकी लोगों को जॉब देंगे और भारत को स्वावलंबी बनाएंगे।
क्या सीखे आप लोग ऐसी चर्चाओं से? देखिए, जो अभी कार्यक्रम हुआ, जो सर ने लिया, हमारी काउंसलिंग करी, बहुत अच्छा था। मतलब अब हमें पता लग चुका है कि सिर्फ जॉब ढूंढना ही सब कुछ नहीं होता, हमें जॉब देनी भी है, क्योंकि हमें पता है बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी के दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो हम लोग उस आइडिया को एक पेपर पे उतार के उसके बाद उसके अच्छे से रिसर्च करके एक बहुत अच्छे तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे पैसा कमा सकते हैं। और जैसा सर ने बताया कि अब तो पैसे की बारिश हो रही है, कहीं भी हाथ डालो पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से रिसर्च करनी है और उसके बाद आप, अगर आपको एक अपनी फील्ड दिख जाती है तो आपको उस फील्ड के अंदर बेहतर करना है तो सबसे पहले तो रिसर्च कीजिए। और कभी भी जॉब, अब जॉब सीकर बनने का टाइम नहीं है, अब है जॉब प्रोवाइड करने का। तो अब से हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। क्या नाम है? संचिता शर्मा। आज का प्रोग्राम, मतलब मैं आज से पहले भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, मुझे मतलब एंटरप्रेन्योर बनना था, पर मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि मुझे मतलब कोई गाइडेंस इतना अच्छा नहीं मिला था, पर आज के प्रोग्राम से मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है। एंड हमारे टीचर्स हमें जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो उससे आई होप कि मैं आगे जाके एक एंटरप्रेन्योर बन पाऊँगी और प्राउड फील कर पाऊँगी सबको। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।